हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। कई दिनों के बाद आज गाड़ी स्टार्ट की है और बड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाके थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे, अभी टाइम भी करीब 12 बज गए हैं, तो निकलते हैं। ऋषिकेश में आज बहुत सारा फन करने का प्लान है, शाम तक लेट तक जाएंगे वापस हरिद्वार। और यार ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, मैं वैसे मोस्ट ऑफ इधर आने के बाद मैं ऑटो यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज गाड़ी यूज की है तो देखो ट्रैफिक में फंस गए। थोड़ा एक 12 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करने का मैंने प्लान बनाया, वैसे तो 16 का भी ऑप्शन है। एवरीबॉडी, अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। मैं हूँ अभी ऋषिकेश में, भाई अपने को लेने आया, तो एक्टिवा लेके जा रहे हैं, तो ये आगे ड्रॉप करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते कई जगह ड्रॉप होते होते हम पहुंच जाएंगे उस जगह पे जहाँ हमारी राफ्टिंग होगी आज की। देखो कितनी खतरनाक आ रही है, इधर से बहुत तेज फ्लो है पानी का, आप देख सकते हैं। इधर अपने ग्रुप आए हुए हैं सारे, ये अपने हरियाणा के छोरे हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, होपफुली बढ़िया रहे। और बाकी जो भीगने का सामान है वो तो सारा इनको दे देंगे, इनके बैग वैग होता है इनके पास में, इनको दे देंगे। बाकी बढ़िया से इंजॉय करते हैं, कुछ नहीं है। नहीं, ये वाली बोट है और इस बोट पे सारे लोग चढ़ रहे हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं और मैं तो अभी आपको दिखूंगा इन्हीं फुटेज में। ये अपना भाई है। तो ये वाला थोड़ा रिस्की तो है गोप्रो रखना, लेकिन अगर खराब हो गया तो हो गया भाई, नया लेंगे फिर और क्या। अरे ये वाला भाई ऐसे राइट, हाँ ठीक है, ओके ओके कर देंगे यार, हो जाएगा। तो भाई पानी बहुत ठंडा है भाई। भाई मजा आ रहा है यार ये चीज करने में तो बहुत ही। ओ भाई रिवर का फ्लो बहुत ही तेज है इधर तो यार। जितना सोचा था उससे भी खतरनाक है ये तो भाई। ओ भाई बहुत ऊपर ऊपर है ये तो। सुपर एक्साइटेड हो रहा है। थोड़ी शांत रिवर आते जंप मार देता है। एवरीबॉडी अभी देखिए हम कर रहे हैं राफ्टिंग और बहुत बढ़िया नजारा है। पहले क्या वीडियो शूट कर नहीं पाए जस्ट बिकॉज की रैपिड बहुत तेज था। आ चुके हैं, राफ्टिंग हो गई है, कपड़े वपड़े सब गीले हो गए हैं, अभी जूते वूते सब गाड़ी में पड़े हैं, तो वो सारी चीजें लेते हैं। यहाँ आके बहुत ही बढ़िया लगा, राफ्टिंग करना तो सुपर अमेजिंग था मेरे लिए, मतलब बिल्कुल नया था, फर्स्ट टाइम किया, लेकिन बहुत मजा आया। और मैं खड़ा हूँ अभी गंगा नदी के किनारे और कपड़े बिल्कुल गीले हैं। यहाँ थोड़ा राम झूला देखता हूँ, लक्ष्मण झूला तो अभी जा नहीं सकते, कहते उसका काम चल रहा है, तो राम झूला जाते हैं। राम झूला के आसपास की मार्केट, काफी खूबसूरत मार्केट है, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये है राम झूला। झूलता है जब आप चलते हो, राफ्टिंग भी होगी, राम झूला भी जाया हूँ, आगे है लक्ष्मण झूला जिधर अपना। अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है तो उधर जाना नहीं हो पा रहा है, और अभी जा रहा हूँ अपनी थार के पास। कपड़े बिल्कुल गीले हैं यार, ज्यादा देर घूमता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ये आज बन रहा है अपना सवेरे सवेरे पोहा, नाश्ता तैयार हो रहा है आज रूम के अंदर ही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी बज रहे हैं करीब 12:30 होने को आ गए हैं, और पहले मेरा प्लान बना देहरादून होते हुए आगे मंसूरी जाने का, फिर मेरा प्लान बना मुक्तेश्वर जाने का, नैनीताल मुक्तेश्वर, एंड अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं कश्मीर चलते हैं। अब भाई पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं कश्मीर के लिए। तो ये बढ़िया होटल था, यहाँ पे 4 दिन बिताए हैं मैंने। 1 बज गया है ऑलमोस्ट गाइज, मैं रुक के चाय पीने लग गया था, एंड मुझे पता है क्या लगता है कि हरिद्वार में मैंने 4 दिन ऐसे स्पेंड कर लिए कि आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ना फिर से, तो मेरे में वो फ्लो नहीं आ रहा है ट्रेवल वाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये नीचे की तरफ यहाँ है हर की पौड़ी। तो ये
ओल्ड स्कूल बाइक्स का ग्रुप है, आप देख सकते हो, मतलब क्लासिक बाइक है। शायद क्रूज लगा दिया है मैंने ऐसी रोड देख के, इतनी बढ़िया मक्खन रोड है, तो क्रूज कंट्रोल लगा दिया है और दौड़ते चलते हैं आगे की तरफ। अभी 100 किलोमीटर दूर अम्बाड़ा है। जी अपने इंडिया में देखो कितने जुगाड़ हैं, बढ़िया अपना बाइक के ऊपर चार पाई लेके जा रहे हैं अंकल। तो यहाँ से ऑयल डलवा लेते हैं, गाड़ी में ऑयल डलवा लिया है। थोड़ा यार मैच चल रहा है साथ के साथ में कॉमेंट्री, क्योंकि आज फाइनल है इंडिया का, और एक कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल भी मिली अपने को। उठा गया साथ में मक्खन और ये अपनी हॉट कॉफी। यहाँ से अपने परौंठे वगैरह खाए हैं, बढ़िया अपना आज का फूड हो गया है। एंड अभी निकलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अम्बाड़ा 76 किलोमीटर है और हमें निकलना है पठानकोट वाले रूट पे। अकेले कई बार चीजें करना टफ लगती है, बट विल मैनेज। द बोइंग कैफे, आप देख सकते हो रेस्टोरेंट है, एक प्लेन खड़ा है, एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, तो ऐसे कंसेप्ट देख के थोड़ा बढ़िया भी लगता है। अम्बाड़ा आ गया है, आज का स्टे पंजाब में करेंगे और कल कहीं नहीं रुक रहे हम, कल सीधा जम्मू में या जम्मू क्रॉस करके रुकेंगे। सारी चीजों की शॉपिंग हो गई है, बहुत सारी चीजें ले ली हमने। ये डीमार्ट मिल गया था, कोई जगह का नाम कन्फर्म नहीं है कहाँ है ये।